अबाउट महिलाओं की लाल कास्ट रूम में है, जो जीतेगा उसको 1,00,000 रुपए नगद, हारेगा उसको 54,000 एक स्कूटी। अब ये कुछ दिन लगेगा स्कूटी सब देख के दोनों बिटिया जो है। निक्की लाल कास्ट्यूम में है, निक्की का संडी गोहाना के पास है, ये जगदीश पहलवान ये अखाड़ा चलाते हैं, उनके अखाड़े की शिष्य है। दूसरी तरफ सोनम मदीना अजमेर एकेडमी में प्रैक्टिस करती है, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। और ये महिलाओं का फाइनल 1,00,000 रुपए नगद इनाम व एक स्कूटी। इसके बाद पुरुष वर्ग तीसरे और चौथे स्थान के लिए जिसका इनाम 31,000 रुपए और चौथे स्थान पर आने वाले को एलईडी टीवी और 11,000 रुपए का नगद इनाम। और उसके बाद फाइनल आपके बीच में होगा जिसमें 1,00,000 रुपए पुरुष वर्ग और एक बुलेट मोटरसाइकिल। ये अब जो कुश्तियां होंगी वो 5-5 मिनट के राउंड होंगे। एक मिनट का रेस्ट और 5 मिनट की कुश्ती आपके बीच में होंगी। पुरुष वर्ग में 46 पहलवानों ने भाग लिया, उसमें ग्रुप बना करके कुश्तियां करवाई गई जिसमें आज आप फाइनल आपके बीच में होने जा रहे हैं। ब्लू कॉस्ट्यूम वाले पहलवान को वार्निंग दी गई है। एक बार ताली आप ले दोनों बिटियाओं के लिए। 1,00,000 कितना और स्कूटी और दूसरी तरफ 51,000 रुपए। पहले स्थान प्राप्त करने वाली महिला पहलवान को 1,00,000 रुपए और एक स्कूटी नाम पर। मैं नमन करता हूं हमारी ऑफिशियल की टीम, अशोक जी, इस कुश्ती के बाद हमारे जो टेक्निकल ऑफिशियल है, जो 2 दिन से लगातार ना गर्मी की चिंता, ना धूप की, ना बारिश की, हमारे लिए अपना कीमती समय निकालकर अपने अपने सेंटरों को छोड़कर हमारे बीच में आए हैं, दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन उनको नमन करती है कि जो इतने अच्छे कोचेज हैं, वर्ल्ड क्लास के एक डिग्री कोचेज हमारे बीच में आए हैं। रेफरी की भूमिका निभाने के लिए टेक्निकल कमेटी, सारी क्वालिफाइड कमेटी आपके बीच में है, जिन्होंने कोई स्वार्थ के लिए तो निर्णय को कबूल ना करें लेकिन निस्वार्थ काम किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बहुत ही अच्छे फैसले उन्होंने दिए, बहुत ही अच्छी कुश्ती आपके बीच। नीले कॉस्ट्यूम वाली पहलवान को 30 सेकंड का समय दिया गया है। यदि इस 30 सेकंड में इस पहलवान ने अंक प्राप्त नहीं किया तो उसके खिलाफ एक अंक लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान को मिल जाएगा। 1 मिनट का समय है भाई, 30 का नहीं, 1 मिनट का, 1 मिनट का समय है ये। और पुरुष वर्ग का तीसरा और चौथे स्थान की कुश्ती होने से पहले जो टेक्निकल कमेटी है उनका सम्मान किया जाएगा और उसके बाद तीसरे और चौथे स्थान की कुश्ती होगी और उसके बाद फाइनल कुश्ती होगी। सुधीर भाई साहब को छोड़ के आओ।
मौसम सपोर्ट बता दे, एक बार पब्लिक को मजा दे, पता लग जाए, आपकी मेहरबानी होगी। हाँ, एक और जीरो, लाल कॉस्ट्यूम वाली पहलवान का एक अंक, नीले कॉस्ट्यूम की पहलवान का भी खाता नहीं खुला है, और ये पहला राउंड समाप्त हो चुका है। नरेंद्र रोहतक से विजेंद्र दहिया जी, मनोज कुमार जी, टेक्निकल कमेटी के साथ में हमारे समाज सेवी लिप्स एंड बाउंस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, भाई दिनेश जी, और ये 5 मिनट का अगला राउंड आपके बीच में शुरू। देखते हैं कौन बनता है एक बार। यार कितनी अच्छी कुश्ती आपके बीच में, दोनों ताली बजाओ यार। 2-1 का स्कोर है भाई, 2-0 सॉरी। मैं स्पेशल पेश करता हूँ भाई प्रवीण गोयल जी का, श्री कृष्ण गुप्ता जी का। लाल कस्टम की पहलवान के 2 अंक हैं। पूरा प्रोग्राम देश के साथ साथ 138 देशों में दीपक अनसुईया और 4 अंक डायरेक्ट कुश्ती जगत भाग दाव लगाया नीले कॉस्ट्यूम की पहलवान सोनम, 4-2 का स्कोर, 2-4। लाल कॉस्ट्यूम वाली पहलवान के 2 अंक, नीले कॉस्ट्यूम वाली पहलवान के 4 अंक। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला, देखते हैं कौन पहलवान इसमें 1 लाख रुपए और स्कूटी की मालिक बनती है। बहुत ही बेहतरीन, और 28 और 29 अप्रैल को इसी प्रकार बाल केसरी की प्रतियोगिता 28 और 29 अप्रैल को करवाई थी, उसमें भी बाल केसरी पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में भी स्कूटी और नगद इनाम दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन के द्वारा जो आयोजित था, बबू खलीफा के द्वारा, बाल केसरी जो दिल्ली बने और बाल केसरी जो दिल्ली महिला वर्ग था उसमें भी स्कूटी और 21,000 रुपए का नगद इनाम दिया गया था, और ये 1 लाख रुपए नगद और 1 स्कूटी महिला वर्ग, 1 लाख रुपए नगद व 1 बुलेट मोटरसाइकिल पुरुष वर्ग। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला, 2-4 का स्कोर, 2 अंक और प्राप्त किए, 2-6 का स्कोर, और ये जूनियर बालिकाएं जिन्होंने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया अपने से उम्र की सीनियर खिलाड़ियों को, अंतिम दो मिनट 2-6 का स्कोर। देखते हैं 1 लाख रुपए नगद हुए स्कूटी की विजेता कौन सी खिलाड़ी बनती है। बहुत ही संघर्षपूर्ण और आकर्षक मुकाबला, और ये 2-8 बढ़ता हुआ 8-2 और 8। दोनों बच्चियां आखिरी दम पर लड़ते हुए, बहुत ही संघर्ष मुकाबला, संघर्षपूर्ण, और इस आपकी जानकारी के लिए बताएं 22 खिलाड़ियों ने भाग लिया था इस प्रतियोगिता में, जिसमें से 12 लड़कियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, जो कई कई बार भारत केसरी का खिताब जीत चुकी हैं, दिव्या काकरण, अंशु तोमर, ज्योति
कविता इन्होंने अपनी सीनियर उम्र की पहलवानों को हरा करके फाइनल कुश्ती लड़ रही है। पचास सेकंड का समय शेष है, दो राउंड का स्कोर है, देखते हैं कौन। तीस सेकंड अंतिम, तीस सेकंड का समय शेष है। इस कुश्ती के बाद टेक्निकल कमेटी का सम्मान किया जाएगा और उसके बाद तीसरे और चौथे स्थान के लिए कुश्ती होगी और उसके बाद फाइनल कुश्ती आपके बीच में होगी। मात्र 10 सेकेंड, और ये समय समाप्त, और आज के इस 1,00,000 रुपए और स्कूटी की विजेता बनी है सोनम मदीना गोहाना हरियाणा की पहलवान, 1,00,000 रुपए नगद वह स्कूटी की विजेता सोनम कुश्ती लड़के आज इतिहास रच दिया, भारत के श्री दंगल की विजेता बनी सोनम मदीना गोहाना, इसके कोच साहब हरियाणा की पहलवान, कोच साहब बना लिख लीजिए। हाँ कोच साहब।